मैं मानती हूँ कि करप्ट जी होते हैं, हैं। करप्ट होते हैं और वो अपने पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से एक इमेज छवि बन गई है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है वो करप्ट है लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक यूथ या कोई आ, साफ सुथरा इंसान या कोई आ, लोगों का हमदर्द जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा तो फिर वो वही छवि रहेगी इट बी द सेम रिफ्लेक्शन यू नो दैट पीपल विल हैव दिस परसेप्शन दैट पीपल आर करप्ट इन पॉलिटिक्स तो उसको बदलना है। हेलो आदाब, नमस्कार सत श्रीकाल मैं तनीर खान आपका होस्ट एंड दोस्त रिसेंटली वी हैव कम अप टू थॉट एंड टू ब्रिंग अ न्यू काइंड ऑफ अ सेटअप एंड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट समथिंग न्यू तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है And update have heard this is by Super News 24 powered by Skill Pro. So, uh, without wasting any time, I would like to take you to our guest. So, she is none other than Saira Sahani. Who doesn't know her that way? She's a poet, an educator, and an activist. You see her tv TV and social gatherings with all our powerful, strong words. So, uh, we welcome you. Uh, to the setup here so this is just about you know coming and uh, being a chit chat with all our guests and the viewer that watching super news 24 right. so uh, saira we have gone through your journey your lifestyles and everything so being a mother of two you know beautiful daughters raising her in a way that you know which abides with the indian culture and everything free poet and educator hain, author and mm -hmm. activist we have seen आर्मी बैकग्राउंड इंडिया But I didn't have any sense of rooting because army kids don't have that sense right. of uh, absolutely belonging. Where do you belong from? You know, because every two years you transfer to a different city. Yes. So I have traveled so much that right in the interiors of northeast to Saudi Arabia, then doing Hajj, it's been phenomenal. I got married when I was very young. When I came to Calcutta, I was uh, I had just finished my graduation, and uh, you know everything was very new. और ये बहुत सब कुछ नया था बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई जब मैं कलकत्ता आई तो मुझे शुरू से यहाँ से एकदम स्टार्ट से जो है सब कुछ शुरुआत करनी थी जहां पे मेरी वर्किंग लाइफ हो या कुछ भी हो या सोशल लाइफ हो या बच्चों के परवरिश आई है तो ये हर एक की जो है यूनिक होती है तो आई थिंक इट्स बीन चैलेंजिंग इट्स बीन एक्साइटिंग बहुत ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग भी रहा है और एक मजेदार सफर उसके उसके बाद बाद yeah. रहा है। अचानक कहीं yeah. और आपने बहुत ऐसे मुद्दों को आपने लेकर आया सोसाइटी में yeah. विच गिवे इम्पैक्ट टू दोसायटी

किसी से पूछता हूँ कोई युद्ध से पूछता हूं कि आपको क्या आगे बनना है तो वो डॉक्टर बोलते हैं इंजीनियर बोलते हैं बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बोलना चाहता है कि मेरे को भी एक पॉलिटिशियन बनना है तो मतलब आपको ऐसे क्यों लगता है कि मतलब ये क्या है कहीं कही कही ना कहीं युद्ध के अंदर भी बहुत फेयर है या फिर वो चाहते हैं कि एक बहुत अलग जोन है या फिर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं या फिर उसके लिए बहुत पावर चाहिए होता है आपके बहुत बटालियन चाहिए होता है तो आपका बदनाम कर लिया क्योंकि काफी लोग जो है मैं मानती हूँ कि करप्टी होते हैं करप्ट होते हैं और वो अपने पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से एक इमेज छवि बन गई है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है वो करप्ट है लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक यूथ या कोई uh, साफ सुथरा इंसान या कोई uh, लोगों का हमदर्द जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा तो फिर वो वो ही छवि रहेगी इट बी द सेम रिफ्लेक्शन यू नो दैट पीपल विल हैव दिस परसेप्शन दैट पीपल आर करप्ट इन पॉलिटिक्स तो उसको बदलना है तो पीपल लाइक यू एंड एवरीबडी इवन इफ यू नॉट एक्टिवली गोइंग टू कॉन्टेस्ट लेकिन बहुत सालों से मुझे लोग कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स में कब आ रही हैं पॉलिटिक्स में कब मैंने कहा मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ इसके मतलब ये इलेक्शन नहीं लड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं हूँ पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं राजनीतिक मुद्दे होते हैं हम उठाते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए टीवी से लेके एक ग्राउंड पर आज भी शाम को मेरी एक मीटिंग है पोलिटिकल एक मीटिंग है तो राजनीतिक मुद्दे जब तक स्टूडेंट्स नहीं उठाएंगे जब तक युवा शक्ति नहीं उठाएगी तो ये देश कैसे बदलेगा ये हम लोग परिवर्तन परिवर्तन की बात करें लेकिन कुछ हम प्रगति चाहते हैं जब तक यूथ युवा शक्ति राजनीति से नहीं जुड़ेगी जब तक बुद्धिजीवी लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे हाउ चेंज दैट इज द मेन थिंग तो मेरा भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं एकदम इलेक्शन लड़ूंगी इट हैपन बाई चांस लास्ट ईयर लाइक कुछ लोकल कॉमरेड्स uh, uh, जो है यूथ ने मेरा नाम नॉमिनेट किया मैं पार्टी मेंबर भी नहीं थी नॉमिनेट किया तब मैंने इलेक्शन लड़ा देन, आई आई केम द सिस्टम, बट ऑलवेज से राजनीति से जुड़ी जो, हूँ मतलब एनआरसी का कुछ हो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो कोई भी तो पूरा कोई यू नो एनी प्रोटेस्ट एनी इशू बेस्ड थिंग पीपल करेक्ट सो so, आपने एक बहुत अच्छी बात की नो कहीं ना कहीं यूथ का जो एक फेयर है वो करप्शन से बहुत ज्यादा है बट कहीं ना कहीं मेरी जो स्टेक है कि ये जो करप्शन है ना हम हमेशा गवर्नमेंट्स को या फिर अदर पार्टीज को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं आई थिंक हम हर मूवमेंट में अपने लाइफ के कुछ ऐसी चीज बहुत आसानी से करना चाहते हैं और जिसके लिए ब्राइट देना चाहते हैं बहुत सिंपल सिंपल मूवमेंट होते हैं जो हम उनको केटर नहीं कर पाते या उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं बट कहीं ना कहीं हम भी वो करप्शन के पार्ट होते हैं और हम खुद फॉलो करते हैं वो लाइफ स्टाइल पकड़ लीजिए स्कूल में एडमिशन करवाने के तहत हम खुद सामने से ऑफर कर देते हैं बट हम उसको काउंट नहीं करते है पकड़ लीजिए अगर कहीं पे जाना है और हमें बहुत जल्दी से को, कोई चीज का रिजल्ट चाहिए होता है हम सामने से कुछ अपने तरह से ऑफर कर देते हैं तो ये हमारे अंदर ठहराव कहीं ना कहीं युद्ध में नहीं है Absolutely. तो ये हम बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये करते हैं कि सामने वाले पार्टी सामने वाले गवर्नमेंट्स एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इको ऑफ एजुकेशन है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डिसम्पैक्ट करता है यू नो रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स मतलब हम पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ते हैं बट पॉलिटिक्स में रुचि रखना नहीं जानते हैं और उससे बहुत बड़ी चीज एक और uh, मैंने यहाँ से अडेप्ट किया बात कहीं uh, ना कहीं ये कुछ लोगों का मानना है आफ्टर एनआरसी uh, uh, बहुत लोग मतलब uh, ऐसे होता ना कि सोशल से पूरा वो पोलिटिकल uh, उसमें जम कर गए एग्जैक्टली exactly. तो कुछ लोगों का ये है कि अच्छा जम्प बस एकदम से जम्प वो सोशल करियर से लेकर यू नो अ पॉलिटिकल करियर बहुत जम्प हो गया था बट वी हैव सीन हर नेशनल डिबेट्स में रेजिंग इश्यूज एंड टॉपिक्स ये बहुत मतलब uh, बोलते हैं ना हिम्मत वाली बात होती है जब आप एज uh, अ नागरिक हम बोलते हैं कि हम एक्टिव सिटीजनशिप है और ये मेरे पास में पूरा ये राइट बनता है कि हम सारी चीजों को रेस करें बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी बातों को दबा दिया जाता है बट मेरी क्वेश्चन हमेशा ये रहती है अगर आ, आप बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जरूर आप दस लोग नहीं एक लोग जरूर आपको मारेंगे और वो आपको साइलेंटली जरूर सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं सो अच्छा ये जब कॉन्टेस्ट की बात आई और हमने आपको देखा कि यू नो लास्ट इन्हें कॉन्टेस्ट लड़ा एंड वी है आई नो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्टू नो लाइक एक होता ना बैक एंड कैमरा के पीछे टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स एंड बींग फ्रंट विद द पब्लिक एंड उनसे मिलना उनकी को जानना समझना और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने 200 अपना दिया है टू टू यू नो दैट दैट गिफ्ट बी रनर अप इन एंड बस यही मैं चाहता हूँ कोई भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होता वो अचानक से नहीं होता हर चीजों का कहीं ना कहीं एक बैड डेटेड इम्पैक्ट होता है और एक इन्फ्लुस होता है जो आपको आगे लेकर जाता है और बहुत से टाइम में जैसे कि अगर मैं अगर मानता हूँ वेल and she can can raise some multiple uh, voices about uh, few things which are not going good. good Somebody can be a good in the roles, मतलब ऐसा लगता है कि हर चीजों का एक क्राइटेरिया होता है करेक्ट uh, कोई भी प्रोफेशन में हम जाए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में आने के लिए फिर या फिर पॉलिटिकल लीडर या मेम्बर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया नहीं है बट जैसे आप देख लीजिए ये आर डेमोक्रेसी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वे गॉन रिस दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग पीपल लाइक फ्रॉम दी पंचायत जो पंचायत इलेक्शंस में लड़े हैं और जो लोकल रूरल मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में गई हूँ अभी हाल में रिसेंटली तो आई थिंक इट इज गोड तो क्राइटेरिया नहीं आई फील आप जो हैं मुद्दों से मुद्दों बेस जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उसमें आप रुचि रखी इंटरेस्ट दिखाइए जज्बा दिखाइए मेनिंग जज्बा सड़क पर उतरिए जब तक आप लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे वो मैं पॉलिटिशियन बनना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं चले आपको सड़क पर उतरना ही होगा पिछले साल कैंपेन में मतलब तीन घंटे सुबह ती, दो घंटे दोपहर तीन घंटे आप लोग फॉलो अगर कर रहे होंगे मेरे फेस फेसबुक बहुत बहुत खटना पड़ा धूप पसीना एक करना पड़ता है जाना पड़ता है लोगों से मिलना होता है वरना वो नहीं होता कनेक्ट It, it it is not easy all i am saying is it's not for the faint hearted especially being a woman be whether people like it or not i am from the minority community i have to agree so it's a double challenge you know because you have to speak for everybody you have to forget that i'm minority community You have to You have to any disenfranchised community beat anybody irrespective of it mm. you know to Uh, मुद्दे होंगे जिसकी भी जिस भी कम्युनिटी की uh, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, है या कुछ भी बायस हो रहा है, पहले मेरी बहुत रुचि दैट सोशली एक्टिव एंड प्रो एंड लिखता हूँ अपने uh, ये कहीं ना कहीं ये इंडियन पॉलिटिक्स जो हमने पढ़ा था और अभी जो हो रहा है इट्स मोर ऑफ अ पार्टी पॉलिटिक्स मतलब ये जो डाइल्यूशन जो हुआ है

बट ऐसे बहुत सारे हमारे जो जेन्य हमारे जो अदर कम्युनिटीज के जो हमारे भाई बहन है वो इस बात को मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते वही है ना कि पांच उंगली एक समान नहीं होता है कुछ लोग आपको जरूर मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे और आपको अपनी चीजों को आगे लेकर जाना है अच्छा अभी जो इंडिया का एक है ना कहीं ना कहीं मेरा मेरे बहुत से ऐसे सर्कल्स में जब हमारे पर्सनल डिबेट्स होते हैं तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन आता है ये मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है मैं आपसे ये पूछू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो लोग बोलते हैं कि अगर इंडिया को ठीक है भारत को अगर हिंदू राष्ट्र अगर हम बनाई देते तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है इतने सारे तो मतलब राष्ट्र हैं इतनी सारे तो कंट्रीज है जो इंडियन मतलब वो मुस्लिम कंट्रीज जाना जाते हैं तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए बिकॉज द मेजोरिटी इज दैट हिंदू तो मेरी स्टेट क्या होती है वो जगह में मेरा कहने का मतलब होता है चाहे वो हिंदू राष्ट्र बने या मुस्लिम राष्ट्र बने ये हमारा भारत है और हम भारत के संविधान से कहीं ना कहीं आते हैं और ये बहुत सोवरेन कंट्री है इसमें हर कास्ट एंड क्रीड्स को इक्वली सम्मान दिया जाता है अगर इसमें किसी भी तरह के भेदभाव ना हो तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो जाता है तो मतलब व्हाट्स योर टेक इन टू सी दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी एंड सेंसिटिव क्वेश्चन आई टेल यू यही चर्चा चल रही है और इसी बात में हम लोग आवाज भी अपनी उठा रहे हैं आलोचना भी कर रहे हैं बात यह है कि हमारे जो पूर्वज थे एनसेसिस थे, थे उनने मुस्लिम स्टेट नहीं चूज किया उन्होंने पाकिस्तान नहीं चूज किया आप वोट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया तो हम लोग जो अगर कोई बोले का हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो हम लोगों ने वी टेन वोट फॉर दिस वी टेन स्टे बैक इन इंडिया बिकॉज ऑफ हमने भारत में हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी क्यों जो ठहरी हुई क्यों वापस रह गए क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इंडश्राइन जो है वो हम लोगों के राइट्स समझाए गए थे वायदा दिया गया था तभी वी स्टेट बैक तो अभी जो होगा बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनेंगे आप सेकंड सिटीजन से, 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 से बन जाएंगे इट विल बी अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द प्रॉमिस दैट वाज गिवन टू अस द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आई आई नो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दे आर चेंजेस बट यू कैनॉट टोटली ओवरटर्न बेसिक वैल्यू जिसपे हमारा संविधान खड़ा हुआ जी सबसे पहले क्या बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान पेश करते हैं ये नहीं बोलता कोई राजा आपको ये संविधान पेश कर रहा है या कोई मंत्री आपको ये संविधान पेश कर रहा है बोल रहा है हम भारत के लोग ये संविधान लिखे हैं ये हम अपने आप को तोहफे में दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात अहम बात है हम जो हैं भारत के लोग

राइट right है और बहुत सी चीजें रॉन्ग है अगर कोई चीजें राइट है तो बहुत फॉर्मली आप वो चीजों को तो बोल सकते हैं कि ये राइट है अगर क्यों है रॉन्ग तो बहुत फॉर्मली आप बोल सकते हैं ये चीजें रॉन्ग है अब ये होता है कि सामने वाले के ऊपर में होता है वेदर उसको वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करे या ना करे अच्छा सो यू नो मैं थोड़ा सा ना चीजों को उस तरफ लेके जा रहा हूँ सो so, मैं माजरा हूँ अगर कुछ हमारे दर्शक को थोड़ा इधर उधर लगे इट्स नॉट अ वेरी पॉलिटिकल डिबेट बट देन कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे मेरी मेरी तक है और मैं जानना चाहता हूँ

ये मुस्लिम लॉ को फॉलो करे या, या फिर हम आ, आ, या जो हमारे इंडियन लॉज है उसको हम फॉलो करें भी अभी बहुत ये चर्चा में है यूसीसी में बहुत एवरी डे में कोई ना ने कोई नेशनल डिबेट पे हूँ देखिए सबसे पहली बात है ये जो है ये यूसीसी की बात पे आते हैं वो इतना पुराना जिक्र है विच इज एज ओल्ड एज ए दूंट असेंबली एज ओल्ड एज एस कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जिक्र जरूर है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिजायर्ड जी तो मैंडेटरी और डिजायर्ड में बहुत डिफरेंस होता है कि मैंडेटरी होता है कि मतलब ये लागू करना है लेकिन जब डिजायर्ड बोलते हैं बोलते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो आ, वो थे द मेकर्स डिजायर्ड दिस तभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गया यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला ये ये नहीं बोला गया कि आपको बकायदा एक साल में दो साल में दस साल में सताईस साल में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको ये लागू करना ये बोला कि है ये बोलाड है बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज ऑब्लिगेटरी और इट इज नॉट समथिंग के मैंडेटरी के कंपल्शन तो और ये जो है इंडिया जैसी कंट्री इंडिया जैसे मुल्क हर सौ किलोमीटर में आप देख लीजिए भाषा बदल रही जुबान बदल रहा डायलेक्ट बदल रहा इतना डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में तो आप अगर एक लॉ आके बोलेंगे तो कुछ चीजें होती है नॉन नेगोशियबल लाइक जक अदर थिंग नॉनोशियबल यू कान रिमूव जका एंड सी दट नॉफ मैडरिटीबल इन रिलीजन करेक्ट और लोग इसको एक मुसलमान इशू बना रहे हैं माइनॉरिटी इशू जबकि है नहीं क्योंकि आप हिंदू uh, अनडिवाइडेड फैमिली को जो उनको जो स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आप पहले मेजोरिटी कम्युनिटी से पूछिए ना कि अगर आधे ओके विद डूइंग लॉस बाकी कॉम है बाकी कम्युनिटी है पहले उनका उनके आप राय लेने कि आपके पर्सनल लॉस हटेंगे आपको क्या फायदा होगा या आपको कैसे अफेक्ट करेगा फिर आप ड्राफ्ट बनाइए जिक्र करिए स्टेक होल्डर्स जो है सारे कॉम के सारे कम्युनिटी से उनसे आप पूछिए कि ये हमारा द, 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 ये ड्राफ्ट रेडी है आपकी क्या राय है तो अभी तो बहस हो रही है फॉर एंड अगेन जब ड्राफ्ट ही रेडी नहीं लॉ कमीशन ने पूछा है एडवाइस फ्रॉम वेरियस सेक्टर ड्राफ्ट इज नॉट रेडी सो हाउ आर वी यू नो है पॉइंट इज दैट एवरी नेशनल चैन सो मैं कह रहा हूं ये बस चुनाव के का प्रचार चल रहा है 2024 का ऑलरेडी शुरू हो गया कोई और मुद्दा है नहीं नीतियों के ऊपर तो कोई चुनाव होगा नहीं ये इन डिवाइसिव पॉलिसीज होंगे इसको हटाओ हो, ये करो एब्रोगेशन करो 370 अभी ये लागू करो वो लागू करो और माहौल को बिगाड़ो क्रिएट करो मतलब एकदम कंफ्यूजन में पर्सनल लॉज अगर हट जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा नहीं देश में सडनली इफ यू डू इट सडनली विल बी देस सो अ अटन पोलिटिकल पार्टी वॉन्ट दे वॉन्ट दिस डिवनेस दे वॉन्ट कम्युनिटीज टू फाइट दिस इन फाइटिंग बिकॉज इट रिफ्लेक्ट इन इन नेक्स्ट इलेक्शन यही बात है अगले साल जो चुनाव होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है ये इसमें झगड़ा हो रहा है वो हो रहा है तो फायदा एक ही पोलिटिकल पार्टी को मिलेगा ना तो बस यही बात है ओके okay, सो so हम ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे आप हमारे साथ बने रहे

ज्यादातर कमर्शियल एड्स के अलावा भी ना पॉलिटिकल एड्स इतने हो गए एंड उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया जा रहा है और उसकी वजह से क्या होता है ना बहुत डिविडेंट आ गए सोसाइटी में एक एक अभी रिसेंटली मैं मतलब आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इट्स ऑल अबाउट यू नो नाउ अब कुछ लोगों को यह भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई आ, आ, से आप अगर रेस्टोरेंट में जाता है अगर तो वहां पर सर्टिफिकेशन दिया रहता है कि नहीं इट्स अ हलाल फूड जनरली वी मुस्लिम कम्युनिटी पीपल गो एंड ये हलाल है कि नहीं At, अभी क्या हो गया कि कुछ बहुत ऐसे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो हमारे साथ जाते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं वो भी पूछते हैं तो कुछ लोगों को उनसे भी ऑब्जेक्शन हो गया कही ना कहीं हम इतनी इन्फ्लुएंस कर चुके हैं उनको ताकि आप उनको भी हलाल चाहिए एक्चुअली रीजन ये है कि उनको रिलेटेड टू ओनली दिस येजी एस्पेक्ट तो ये जो भी है कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको प्रोवोक सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है कि नहीं है ये जरूरी है कुछ लोग ऐसा मानना रखते हैं कि नहीं, गपनेती नहीं गपनेती

Uh, you know, what call, uh, have the तरीके से बना होता है वो होता है हलाल मीन समथिंग हलाल का मतलब है कि जो चीज जायज है लोग कहते हैं क्या हलाल मतलब कोई बकरा काटा है या कुछ कहता है तो हलाल का मीनिंग क्या होता है समथिंग दैट इजिटेड इसका मतलब होता है हलाल तो अगर कोई हलाल कॉस्मेटिक होता है या हलाल फूड है इसका मतलब ये नहीं कि बकरा ऐसे करके या वैसे करके ये होता है मतलब इट इट इज दैट वो जहर फैलानी कर रही है yeah. और अभी एक और उसमें एक और बात सामने आई है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुस्लिम बॉडीज है जिनको वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है yeah. अभी उनका ये भी कहना है की कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन के द्वारा बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज किया जाता है अब वो हेफ्टी अमाउंट एक्चुअली हम दूसरे पर्पज के लिए यूज करते हैं इज अगेंस्ट दी कम्युनिटी ठीक है तो मैं वो वो टॉपिक वो वर्ड में नहीं जाना था इज एक्चुअली अगेंस्ट द कम्युनिटी आई थिंक हर चीजों का एक रोल है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वक्त में ये रिलीजन दट पॉलिटिक्स एंड सोशियो को छोड़ ना हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एजुकेशन यू नो दैट यू नो दैट हम अभी हर जगह ग्लोबल वार्मिंग है बट इंडिया में सिर्फ सिर्फ इंडियन मतलब आ, मुस्लिम है हिंदू है तो कब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की कब हम बात करेंगे बिल्कुल कब हम बात करेंगे जनरली मतलब यू नो अपॉर्चुनिटीज की यूथ्स के मतलब ये कहने का मतलब है अगर आप देखिए आंकड़ा ही देखिये कि अब क्या करते अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा है कि उनको लगता है कि अब्रॉड में जाके सेटल हो जाए बिकॉज वहां पे स्कोप ज्यादा है या फिर वहां पे पढ़ाई का कल्चर इतना है तो क्यों नहीं अब हम उसमें बात करना चाहते हैं हम सिर्फ हमेशा ये एंगल क्यों लेकर आ जाते हैं कि हमें इसको डिवाइड ही करना है, ये में ही चलना है तो अगर मुझे ऐसा लगता है करते जितने जितने हो ये पहले ही समझ लीजिएगा कि हमें दो कान दिया गया है एक आंसर को सुनना है पहले दिमाग से समझना है फिर उसके बाद से कौन सी बात आपको निकालना है कौन सी बात नहीं निकालना है मैंने कहीं ना कहीं ये याद रखेगा कि हम इंसान है और इंसान के प्रति इंसान का प्रेम होना बहुत जरूरी हो जाता है बहुत ऐसे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं बहुत ऐसी चीजों में हम बहस भी करने वाले हैं बट कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डिसिप्लिन है हम उसको तो ना खोए तो ज्यादा बेटर है तो सर मतलब ये जो ओवरऑल हम लोग ने डिस्कशन किया इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक डिस्कशन नथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस और बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग मतलब ये हम अपने थ्रू से चाहना चाहता है कि जो लोग में और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अभी ऐसा एक और मुद्दा अपार्ट फ्रॉम दिस इशू आजकल देखते हैं कि हर जिनको भी पॉलिटिक्स में आना है या पॉलिटिकल फ्रेम में आना है उनको समाज सेवा करना बहुत जरूरी है तो ये समाज सेवा पॉलिटिकल मतलब ये मुझे समझ में, नहीं समझ में आ रही है फिर क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही जी नहीं मैं कह रही हूँ तो देखिए समाज सेवा सेवा क्या समाज सेविका कोई भी बन सकता है अगर आपको मोहब्बत है या yeah, yeah, किसी यू नो ऑन द डाउन और समथिंग जरूर करिए जरूरी नहीं है आपको राजनीति में आना है जिस बिकॉज तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं सोशल वर्क होता है दिल से कर रहे हैं आप सोशल वर्क लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि राजनीति से जुड़ना इसका मतलब तो ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़े लोग कह रहे हैं अच्छा आप फर्स्ट टाइम आई है मैंने कह रही नहीं मैं बहुत पहले से ही हूँ राजनीति में इलेक्शन नहीं लड़ा होगा लेकिन राजनीति में बहुत शुरू से जुड़ी हुई हूँ वो अलग बात है कि पिछले साल टिकट मिला और इलेक्शन लड़े वो बेहतरीन तरीके से लड़े लेकिन एवरीबडीजेड राजनीति मीन इसका मतलब यही होता है ना राजनीति की आप अपनी आवाज उठाए जो इम्पोर्टेंट विषय है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी आप आवाज को बुलंद करें दूसरों की आवाज जो लोग नहीं बोल सकते उनकी आवाज को और बुलंद करें किसी भी प्लेटफॉर्म में टीवी के माध्यम से सड़क पे जाके बोल दीजिए टीवी पे बोल दीजिए कोई भी आपको माध्यम मिला है जो भी प्लेटफॉर्म मिला है वो उसका आप इस्तेमाल करें वही बात करेक्ट शुरुआत में आपने एक बात बोला था कि आप इंडिया से एक डाइवर्स कंट्री है कि हर दस किलोमीटर में भाषा बदलती है बट एक और इसकी मतलब बैक इन्फ्लुएंसेस ये भी है कि आजकल जो लीडर्स आते हैं जो जो स्पीकर्स आते हैं जो कोई भी दावे करने के लिए आते हैं तो उनके दस किलोमीटर नहीं हर दो किलोमीटर में उनकी भी बदल है, <laughs> उनकी भी कोई वो नहीं होगा ना देविंग एनी पोलिटिकल कॉन्शियस जो लोग अदल बदल कर रहे हैं पोलिटिकल पार्टियां है, छोड़ छोड़ के अलग अलग पार्टियों में आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब है कोई पोलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं एंड एक और चीज में इसमें ये पार्टियां जो बदल रहे हैं जो भी है मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लू हाँ, बटी का चेंज करे फ्रॉम ए टू मी सब सारी चीजें सही है मतलब जब बी में आते हैं तो ए गलत होता है और सी में जाते हैं तो ए भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर जिसको आप लीडर बना रहे लीडर का मतलब होता है जिसको आप दिल से फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया में भी फॉलो करते हैं उनके तय तक हम जरूर जाए उनकी बातों को समझे बिकॉज इतना तो अकल हमारे अंदर में है कि बातों को समझने का है उनकी बातों को समझे और अपनी चीजों को रखें और सबसे बेसिक जो काम होता है एज अ सिटीजन हमें क्या चाहिए डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन

किसी भी चीजों को फॉरवर्ड ना करे एक और इसमें में बताना चाहूंगा मैंने ये के मौके पे कुछ ऐसे मैंने स्टेटस डाला था कि आप कोई तो ऐसे वीडियोस स्लॉटरिंग करते हुए योर कम्युनिटी है never. और सबको रेस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट करना और अपने वैल्यूज एंड See, we have to be sensitive आ, आ, हम लोग हिंदुस्तान में हैं कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे बहुत लोग वेजिटेरियन है आप अपने घर में कुर्बानी या जो भी चल रहा है you know, बाहर जाके आज मैंने कुर्बानी करी ये देखो वीडियो ये आज मैंने ये किया वो देखो एंड दिस इज फॉर ऑल फेथ सबसे ज्यादा सामाजिक मुद्दे उठाइए समाज के बारे में बात करिए जिसका जिसकी सब सबसे ज्यादा फायदा होगा तो मुझे यही प्रॉब्लम है

एंड कोशिश करें कि अगर आपको अपने आप को लेकर चलना आगे तो अपनी जो सही चीजें सही बातों को लेकर चल चलना है और अगर कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत साइलेंटली किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप आवाज नहीं उठा सकते बट सही के लिए आप साइलेंट सपोर्टर्स भी बन सकते हैं और उससे पहले एक अच्छा इंसान बनिए एक अच्छे नागरिक बनिए एंड अच्छे हिंदुस्तानी बनिए और एक दूसरे को सपोर्ट करें अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन एनी कास्ट एनी क्लिट क्योंकि हमें स्कूल से डे वन से Preamble में यही पढ़ाया गया है यहाँ पेम गेम नहीं है दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड द ऑलर्स जो हमें देख रहे हैं या हमें जो देखने वाले हैं आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको लगता है कि कुछ और मुद्दों में हम बात कर सकते हैं टॉपिक में बात कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में जाके हमें जरूर रिप्लाई करें एंड यू वुड ऑल्सो लाइक टू पार्टनर which is SkillPro India and Elite Model Academy, and to all who have been a great support to this. Last but not the least, Sahara Apai, who has been a great, uh, I would say, leader because she, who, अपने चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत strongly लेकर जाती आगे, and हम आशा करते हैं, हम proud Indians हैं और हमेशा proud Indians ही रहेंगे. Thank, so. Thank you so much. Thank you so much. Thank.